हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन और केमिकल काइनेटिक्स वाले यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद केमिकल काइनेटिक्स, द यूनिट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में पोर्शन फिनिश किया था वो था कॉलिजन थ्योरी, और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक कैसे पहचानेंगे और एंडोथर्मिक कैसे पहचानेंगे, यहां तक हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो कॉलिजन थ्योरी देखिए क्या कहता है। कॉलिजन थ्योरी रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए, रिएक्शन को आगे प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो कॉलिजन थ्योरी ने यह कहा कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉलिजन बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर आयंस। जो भी कंटेंट है मतलब उनके बीच कॉलिजन होना चाहिए, तभी उनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि वो एनर्जी बैरियर, जिस एनर्जी को क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो एनर्जी उसके पास आ जाएगी। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हुई तो जो इनिशियल एनर्जी रहेगी, जो कॉलिजन के समय, जो रिएक्शन स्टार्ट करने के समय उसको एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, इनिशियली तो उसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसको थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंड द एनर्जी बाय विच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द इफेक्टिव कॉलिजन, और वो एनर्जी जिस पर मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और इस समय एनर्जी जो है इतनी हो जाएगी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो द एक्टिवेटेड द एनर्जी ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, जब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा और वहां पर भी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि बहुत ही कम लाइफ स्पैन का क्लस्टर होता है, और वहां पे इट मे बी ट्रांसफॉर्म इंटू प्रोडक्ट और अगेन ब्रेक्स इंटू रिएक्टेंट। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी कम और कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लॉन्ग। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, तो जो राइट हैंड साइड पर हमारा एक्सटेंट दिखेगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, एंड दैट इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, और ये अगला पॉइंट है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, हिंदी में इसको कहेंगे आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, और आज यहाँ के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और इसको खत्म करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि इससे रिलेटेड भी होगी, और एक दो प्रॉब्लम्स अलग से भी करेंगे। देन अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। गिव अ रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट, गिव अ रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, गिव अ रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, जो कि
रेट कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक और संकीर्ण ऊर्जा और तापक्रम के बीच संबंध स्थापित करता है। तो गिव अ रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम लोग कॉलेजन थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां हमने बात किया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एन बाय एन हैविंग हैव रिसीविंग हैव रिसीव्ड एनर्जी रिसीव्ड एनर्जी हैव रिसीव्ड एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एन स्मॉल एन बाय कैपिटल एन हैव रिसीव्ड एनर्जी इज इक्वल टू इक्वल और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी रिसीव की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी रिसीव की वो क्या है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा। इक्वल टू रिसीव्ड एनर्जी इज इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो अभी हमारा काम तो केवल ऊपर वाले लाइन से ही चल जाएगा, लेकिन ये एक पॉइंट था इसमें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसी को रिलेट करता है आर इन इस इक्वेशन। तो क्या किया उसने, गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर फॉर स्मॉल एन एंड कैपिटल एन, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच रिसीव्ड एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच रिसीव्ड एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू K by A equal to e to the power minus E A by RT। ये है आरहेनियस इक्वेशन। तो दिस इज आरहेनियस इक्वेशन, ऑल्सो एक्सप्रेस एज कैसे लिख सकते हैं, K equal to AE to the power minus EA by RT। कैसे लिख सकते हैं, K equal to AE to the power minus EA by RT। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। अब यहां पे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार ये सारा जो पोर्शन है ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये है आरहेनियस इक्वेशन, दिस इज आरहेनियस इक्वेशन। ए इज द आरहेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए क्या है यहां पे, आरहेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इज द आरहेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर पर यूनिट टाइम मतलब रेट को बता रहा है, पर यूनिट टाइम। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मतलब पर यूनिट टाइम में कितने फ्रैक्शन का कॉलिजन होगा उसके बारे में बात करता है। आर इज द मोलार गैस कांस्टेंट आर इज द मोलार गैस कांस्टेंट। ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कॉलेजन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ओनली वेरी फ्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ
total molecules, and N is what? Possessing energy. Energy equal or more than threshold energy, equal or more than threshold energy, और N उस बात को बताता है कि energy या तो threshold energy के बराबर हो गई है या उसे ज्यादा हो गई है, equal or more than threshold energy. It is known as Boltzmann factor. It is known as Boltzmann's factor. और इसको बोल्ट्समैन्स फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ आरएनए इक्वेशन, और ये उसके जो जो चीजें आपने जो पैरामीटर्स उसमें आपने यूज किए उसके बारे में हमने बात किया. तो ए इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये है आरएनए इक्वेशन, और ये उसके उसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हुई उसके बारे में हमने बात कर लिया है. ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे के टॉपिक पर. ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या क्या चीजें और ध्यान रखना है. इफ टी कैन बी एक्सपेरिमेंटली हाई, अगर टी ज्यादा हो जाए एक्सपेरिमेंटली हाई, अगर टी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टी कैन बी एक्सपेरिमेंटली हाई, दिस विल, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, दिस विल फॉलो के इक्वल टू ए. तो के इक्वल टू उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, के इक्वल टू ए, दिस विल गिव के इक्वल टू ए, दिस विल गिव के इक्वल टू ए. हाँ, और के इक्वल टू ए का मतलब हुआ ऑल द कॉलेजेंस आर गिवन द प्रोडक्ट, ऑल द कॉलेजेंस आर गिवन द प्रोडक्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है. तो कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में तो कुछ ऐसा ही पूछेंगे ना जो जिसको सोचना पड़े. तो अगर टी एक्सपेरिमेंटली हाई है एट वेरी हाई टेम्परेचर के इक्वल टू ए, दैट टाइम के इक्वल टू ए हो जाएगा, के इक्वल टू ए. इट मीन्स All the collagen produce product. But it is not possible. जो कि practically possible नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहली condition. ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, ये हो गया आपका नंबर वन. दूसरा बात क्या ध्यान रखना है इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इनिशियल एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती. तो एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गया तो फिर से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो. इट गिव इस कंडीशन पर भी क्या हो जाएगा, के इक्वल टू ए हो जाएगा. इट गिव के इक्वल टू ए, इट मीन्स ऑल द कॉलेजेंस प्रोड्यूस प्रोडक्ट. ओके, बट आपको पता है कि प्रैक्टिकली ये बात संभव नहीं है. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. और ये बात प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको यहां पे ध्यान रखना है.
हाई टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन पर K इक्वल टू A हो जाएगा और वो उस बात को इंडिकेट करेगा, इस बात को बताएगा कि यहाँ पर सभी कॉलेजन जो है वो इफेक्टिव कॉलेजन होंगे और सब में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए तो भी ये बात आ जाएगी कि K इक्वल टू A, इट मीन्स ऑल द कॉलेजन आर इफेक्टिव कॉलेजन एंड दैट टाइम all the molecules are converted into product, but both the things is not possible, dono cheeze possible nahi hai, to ye ek important baat hai, ye humko dhyan mein rakhna hai, theek hai। ab is equation ko thoda sa aur aage carry on karte hain, ek do cheeze aur karna hai humko, to taking log, isko agar hum log ke term mein likhte hain to taking log in term of log, ठीक है, तो natural log k equal to natural log a minus ea by rt, इसका टर्म तब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जब इसको log के टर्म में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, natural log k equal to natural log a minus ea by rt, और अगर लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस 2.303 ई ए बाय आरटी, 2.303, अच्छा आरटी के साथ आएगा ना, उसके साथ नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग एक ही जगह तो ये आ जाएगी वैल्यू उसकी 10 की, तो लॉग के इक्वल टू हो जाएगा लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, तो लॉग के इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 RT माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग ए, तो ये हो गया लॉग बेस के 10 के अंदर, लॉग बेस 10 के अंदर ही ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द बेस ऑफ लॉग 10, तो ई ए अपॉन 2.303 RT, तो जब 2.303 RT दिखेगा तो इसका मतलब है कि ये लॉग बेस 10 पे हम काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आगे और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी, तो देखो अब तो ये y इक्वल टू mx प्लस c के इक्वेशन पर पहुंच गया है, अगर आपको अब तक पता चल गया हो ये, तो y इक्वल टू mx प्लस c के सिचुएशन पे पहुंच गया था ये, है ना। तो द ग्राफ बिटवीन log के, ये भी ध्यान रखना है बहुत, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये द ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड वन बाय टी इज अ नेगेटिव ग्राफ, मतलब जिसका स्लोप डाउन साइड जाएगा, नेगेटिव ग्राफ With a slope of minus ea upon 2.303 r, with a slope of minus 2.303 r, तो ये ध्यान रखना है, ये हो गया आरहेनियस इक्वेशन के लिए log के और 1/t, log के और 1/t के बीच का प्लॉट, log के और 1/t का प्लॉट जो कि नेगेटिव स्लोप पर है, और इसका जो स्लोप है दिस इज माइनस ई ए बाय 2.303 r, स्लोप इक्वल टू हियर -2.303 r, ओके, तो स्लोप कितना, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, तो ये आरहेनियस इक्वेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे क्या काम करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये ग्राफ की बात हो गई, तो
लॉग के और 1 बाय टी के बीच स्ट्रेट लाइन, लॉग के और 1 बाय टी के बीच स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर मिल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग तापक्रम पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर मुझे इसको लिखना है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो भिन्न भिन्न तापक्रमों पर, टू डिफरेंट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, दो डिफरेंट टेम्परेचर टी वन और टी टू पर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, द रेट कॉन्स्टेंट्स आर, द रेट कॉन्स्टेंट्स आर के वन एंड के टू। तो दो अलग अलग तापक्रम टी वन और टी टू पर अगर रेट कॉन्स्टेंट है हमारे पास, रेट कॉन्स्टेंट इज के वन के टू। ठीक है, तो रेट कॉन्स्टेंट कितना है, के वन के टू, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, के टू बाय के वन इक्वल टू, के टू बाय के वन इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन कर दीजिए अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी टू। ठीक है, तो दिस इज आर टी, आर टी टू पहले ऊपर आर टी टू रहेगा ना, के टू ऊपर है तो आर टी टू बाय आर टी वन। ठीक है, अब जब इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे तो कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा ये को कॉमन ले सकते हैं, तो लॉग के टू बाय के वन, लॉग के टू बाय के वन, लॉग के टू बाय के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन बाय टी टू, वन अपॉन टी वन माइनस वन बाय टी टू, और एक्टिवेशन को जब आप फॉलो फर्दर कैरी आउट करोगे तो 2.303 आर टी वन टी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन लॉग के टू, लॉग के टू बाय K1 is the final equation, okay? So, हमको जो काम है इसमें वो केवल लास्ट वाले स्टेप का है, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 2.303 आर T1 T2 बाय T2 माइनस T1 log K2 बाय K1। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला at the two different temperatures when the rate constant is K2 and K1। जैसे हम लोगों ने temperature coefficient को solve किया था ना, उसी तरीके का situation है ये, कि कितना temperature बढ़ने पर rate of reaction कितना बढ़ जाएगा, वहाँ पे हम ये solve कर रहे थे temperature coefficient से, और यहाँ पे हम क्या solve कर पाएंगे, activation energy को solve कर पाएंगे। तो activation energy एक बार फिर से final वाले formula को मैं upper side लिख देता हूँ, 2.303 R T1 T2 upon T2 minus T1 log K2 by K1। Okay, तो this is the formula for calculation of activation energy। ये activation energy को निकालने का हमारे पास formula आ गया है। ठीक है, तो ये एक important formula है, इसको ध्यान रखना है। एक और formula हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बारे में भी थोड़ी अलग से बात कर ले। आपको पता है कि अगर कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड रेट ऑफ रिएक्शंस आर फास्टर, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। ओके, द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक फॉर्मूला और, द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of catalyst. The decrease in activation energy in presence of catalyst. उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा में होने वाली कमी. The decrease in activation energy in presence of catalyst is 2.303 log K2 by K1 equal to डेल्टा ई. मतलब चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कितना कम हुआ, कितने से कितना कम हुआ. जैसे मान लीजिए 40 किलो जूल है, 20 किलो जूल अपे आ गई एक्टिवेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो 40 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 है ना. तो एक्टिवेशन चेंज इन डेल्टा ई बाय आरटी. तो ये कैटलिस्ट का प्रेजेंस जब रहेगा तब एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, या कितने टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से कितने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी. तो दिस इज लॉग के टू बाय के वन, रेशो ऑफ लॉग के टू बाय के वन दिस टाइम, है ना. ये भी निकाल सकते हैं यहां से. ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी और चेंज इन रेट ऑफ द रिएक्शन बाय द इंफ्लुएंस ऑफ द कैटलिस्ट. ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं. फॉर अ केमिकल रिएक्शन, पहला क्वेश्चन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो. एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा, तो दैट टाइम के इक्वल टू ए, है ना. तो रेट ऑफ केमिकल फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो एंड K इक्वल टू 3.2 इंटू 10 to the power minus 4, 3.2 इंटू 10 to the power minus 4 सेकेंड इनवर्स, मतलब पर सेकेंड. ओके, तो पर सेकेंड रेट आपको गिवन है. ठीक, एट 300 केल्विन, तो द वैल्यू ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन. तो जब एक्टिवेशन को आपने जीरो करके रखा है तो टेम्परेचर के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो के इक्वल टू व्हाट, e to the power minus ea by rt. तो इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट टाइम के इक्वल टू ए. ये पूरा डाटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू ए. तो जो रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग टेम्परेचर पर, तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन दिस एट 300 द वैल्यू ऑफ के, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो रेट कांस्टेंट है, जो के है, वही क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी. फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, K is this at 300 Kelvin, तो value of K, तो जो constant है उसकी value किसके equal हो जाएगी, A के equal हो जाएगी. ठीक है, और A की value किसके equal हो जाएगी, K के equal हो जाएगी. ओके, तो जो 310 पर था वही कहां पे हो जाएगा, तो K equal to A at 300 and 310. तो क्या हो जाएगा, 310 पर K की value, 310 पर K की वैल्यू 300 पर A के वैल्यू के बराबर ही रहेगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली द आंसर इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. इनिशियली द क्वेश्चन इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ये यहां पे जो पावर है ना, दिस इज देयर इज चेंज, तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 है, तो यहां पे भी क्या रहेगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 पर सेकेंड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिया है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है, तो के इक्वल टू ए की कंडीशन आ गई है इसमें. ठीक, अब और क्वेश्चन पे बात करते हैं, सम मोर क्वेश्चन
रिलेटेड विद दिस यूनिट. तो अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. The rate constant of reaction, the rate constant of reaction at 500 and 700 Kelvin, the rate constant of reaction at 500 and 700 Kelvin are 0.02 and 0.07. कितना है 0.02 and 0.07. Calculate activation energy. Calculate activation energy. तो क्या निकालना है activation energy को calculate करना है. What is the formula for calculation of activation energy? तो पहले तो क्या करो, देखो रेट कांस्टेंट दिया है तो K2 by K1 is this, है ना. टेम्परेचर इज गिवन इन केल्विन, तो टेम्परेचर भी केल्विन में दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं करना है. तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 2.303 R. कितना आ गया 8.31. T1 इज व्हाट 500, T2 इज व्हाट 700. अब इसमें देखिए काफी लंबी कैलकुलेशन रहती है ना, तो 2.303 इंटू 8.31 बाय 500 इंटू 500 इंटू 700, और 700 में से 500 को माइनस करेंगे लोअर साइड, है ना, 700 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग 200 आ जाएगा. ओके, इंटू लॉग K2 बाय K1, तो लॉग K2 बाय K1 इज व्हाट 0.07 बाय 0.02, तो कितना आ जाएगा 3.5, है ना. This is 3.5. अगर 3 रहता तो 0.47 उसकी वैल्यू हो जाती. 3.5 का जो लॉग वैल्यू है वो 0.54 है. तो लॉग 3.5 इक्वल टू 0.5, इसको ध्यान रखेंगे 0.54. तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू यार 2.303 इंटू 8.31 इंटू 500 इंटू 700 divided by 200 is multiplied by 0.54. This is the value of log 3.5. तो total calculation करने के बाद 18230.8 is the answer. और अगर आप इसको जूल्स में लोगे 18230.8, और अगर जूल्स से किलो जूल में ले जाएंगे तो 18.23 किलो जूल पर मोल के आसपास आंसर आ जाएगा. 18.23 किलो जूल पर मोल, तो 18 के आसपास के डाटा का आंसर आ जाए तो समझ लीजिए कि सही आ रहा है, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस बहुत लेंदी रहते हैं, ठीक है ना. तो ये एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है. अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसके क्वेश्चंस की थोड़ी यहां पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस कैलकुलेशन की यहां पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की क्वेश्चंस की, है ना. तो 18 पॉइंट समथिंग आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आया है ना. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ अ कैटलिस्ट ड्रॉप द एक्टिवेशन एनर्जी, ड्रॉप्स द एक्टिवेशन एनर्जी
ड्रॉप्स द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर कोई कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप कर रहा है, कैटलिस्ट ड्रॉप द एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ड्रॉप द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 80 किलो जूल टू 80 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल पर मोल। कैटलिस्ट ने क्या काम किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस के कारण एक्टिवेशन एनर्जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 किलो जूल से डिक्रीज होकर के कहां आ गई है, 40 किलो जूल पर आ गई है। What is the magnitude of effect on ratio of forward and backward reaction, ratio of forward and बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेशो ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, मतलब लॉग K2 by K1 आपको चाहिए यहां पे, है ना, यू नीड K2 by K1। तो देखो लॉग K2 by K1 हमने बात किया था इसके फॉर्मूले में, डेल्टा E by RT है ना। तो K2 by K1 तो EA एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितना कम किया उसने, है ना, अपॉन 2.303 RT। ये फॉर्मूला है। तो log K2 by K1 इक्वल टू व्हाट, चेंज इन एनर्जी 80 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 40, 2.303 R कितना, R कितना है 8.31 और T कितना है 25 to 298, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। ओके, तो किलोजूल, दिस इज इन किलोजूल, 40 किलोजूल, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जूल्स में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल्स में आ जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, देखो लॉग के टू बाई के वन का जो वैल्यू आएगा, हियर द लॉग तो सॉल्व करने के बाद लॉग के टू बाई के वन लॉग के टू बाय के वन इक्वल टू 7। तो अब क्या चाहिए मुझे इसका, एंटी लॉग चाहिए। तो के टू बाय के वन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सेवन। तो एंटी लॉग ऑफ 7 को हम कैसे लिख पाएंगे, के टू बाय के वन इक्वल टू एंटी लॉग और लॉग एंटी लॉग और लॉग ऑफ 10 to the power 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 टू द पावर 7 का एंटी लॉग वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर के टू बाई के वन, तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल, तो के टू बाई के वन इक्वल टू कितने टाइम्स बढ़ गया, 10 टू द पावर 7, लॉग ऑफ 10 टू द पावर 7 इज 7, तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल। अब रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गई आपकी, के टू बाई के वन की जो वैल्यू आ गई, this is 10 to the power 7 times, this is 10 to the power 7 times, okay? अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं, अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate
ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल व्हेन व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन चेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो 20 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा, 293, और 50 प्लस 273 तो 323, तो ये तो टेम्परेचर का चेंज कर लिया हमने, 3 और ओके 12 और 123, ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर चेंज। अब निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी इन दिस कंडीशन, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 2.303 आर, कितना 8.31, T1 293 इंटू T2 323 बाय दोनों का माइनस, तो 93 से आ जाएगा 03 और 03 से पहुंच गया 13 और 13 से पहुंच जाएगा 23, तो 30 का डिफरेंस है ना, लॉग K2 बाय K1, तो लॉग K2 बाय K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, बिकॉज इट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, बिकॉज इट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो नाउ 2.303 इंटू 8.31 इंटू 293 इंटू 323 इंटू लॉग 3 का वैल्यू 0.47 बाय 30, और इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी 28375.38, ओके, तो 28.37 किलो जूल, ये जूल्स में है और ये हो जाएगी आपकी किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, ओके, तो 28.73 किलो जूल्स पर मोल, ये मैंने सब कैलकुलेट किए हैं, ऐसा नहीं कि बिना कैलकुलेशन किए लिख दिया ना, लेकिन फिर भी इस टाइप के डेटास में आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, हमेशा खुद से कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि फिर से एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक से ही लिया हुआ है, और जैसा मैंने आपको कहा था एक दो क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे बताऊंगा, तो वो मैंने आपके लिए ढूंढा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 28.37 इज द आंसर दिस टाइम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2, द रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2, द रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, द रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन, द रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर 10 to the power 16 और e to the power minus 2000 by t and 10 to the power 15 and 10 to the power 15 e to the power minus 1000 by t
1000 बाय टी, इस टाइप का क्वेश्चन आया है कई बार, है ना, इसलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो 10 टू द पावर 16 ई टू द पावर माइनस 2000 बाय टी एंड 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर माइनस 1000 बाय टी। ओके, द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, तो उस टेम्परेचर को आपको फाइंड आउट करना है जिसपे K1 और K2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले उसके बारे में हमको बात करना है। तो दिस इज K2 बाय K1, K2 बाय K1, तो K2 बाय K1, तो 10 टू द पावर 16 ई टू द पावर माइनस 2000 बाय टी इक्वल टू 10 टू द पावर 15 ई टू द पावर माइनस 1000 बाय टी। तो दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे 16 और 15 का तो कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू e to the power 2000 minus t2 minus t1, तो this is t2 minus t1, तो कितना जाएगा 1000 to the power t आ जाएगा, 1000 to the power t, तो 10 equal to e to the power 1000 by t, 10 equal to e to the power 1000 by t। और अगर इसको हम natural log रखते हैं, natural log 10 equal to क्या हो जाएगा, natural log 10 equal to 1000 by t, और अगर log natural की जगह हम log base 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303, this data is now 2.303 log base 10 equal to 1000 by t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डाटा इज देयर 1000 बाय 2.303, तो नाउ द 2.303 लॉग बेस 10 इक्वल टू 1000 बाय t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 बाय 2.303, तो इट इज नियर अबाउट 434.2 is the temperature at which K2 equal to K1 or K1 equal to K2, K1 equal to K2, ठीक है। एक और मेथड मैं आपको बताता हूं इसके अरेंज करने का, ये थोड़ा ज्यादा ही शॉर्टकट है लेकिन अगर इससे अरेंज हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक और मेथड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दो स्टेप और काम करते हैं मतलब इसमें। तो देखिए ई टू द पावर माइनस 2000 बाय टी ई टू द पावर 2000 बाय टी और अपॉन e to the power minus 1000 by t, this is equal to 10 to the power 15 by 10 to the power 16, 10 to the power 15 by 10 to the power 16, ठीक है। तो 2000 के लिए 15 by 16, ओके, K1 by K2 कर दिया मतलब, है ना। तो this is अच्छा एक्टिवेशन और के की वैल्यू, तो दिस इज अनदर प्रोसेस 10 टू द पावर बाय 16, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं
e टू द पावर माइनस 1000/t, यहां का चेंज तो सही है, 1000/t इक्वल टू 10^-1, 10^-1, ओके, तो दिस इज 10^-1, ठीक। अब इसको और कैसे लिखेंगे लॉग के टर्म में, log e टू द बेस माइनस 1000/t, 10^-1000/t इक्वल टू माइनस 1000/t इक्वल टू log बेस e 10^-1, और log 10^-1 -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इसको ओके, तो log e, इट इज log e 10^-1000/t इक्वल टू log e 10^-1, तो दिस इज इंडिकेटेड बाय 1000 - 1000/t इक्वल टू 2.303 log 10^-1 log 10^-1, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी 2.303, आ गया आपका माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 2.303, ठीक है। तो टी इक्वल टू आ जाएगा तो 1/1000, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है ना, तो 1/1000 इक्वल टू दिस, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 1000 by 2.303, तो फिर से आंसर तो उतना ही आएगा 4.2, ओके। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन जो कि काइनेटिक्स से रिलेटेड है। अब एक दो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन वाले क्वेश्चन पर भी थोड़ा काम कर ले, तो दो क्वेश्चन उसमें और हैं तो उस पर काम कर लेते हैं। ए प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा ही तो इसका स्टार्टिंग होता है, ए प्लस बी फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ओके। ए बी और रेट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनिशियल रेट, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो उसका कितना दिया है 0.5, इसका दिया हुआ है आपको 0.4, और रेट दी है 6 × 10^-3, ये एक्सपेरिमेंट वन हो गया है ना, एक्सपेरिमेंट टू में दिया हुआ है 0.25, 0.4 और रेट आपको दी है 1.5 × 10^-3, 1.5 × 10^-3, और थर्ड टाइम आपको दिया है 0.25, 0.8 और 3 × 10^-3, ठीक। और क्या पूछा है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जब ऑर्डर पता चल जाएगा तो आप उसके रेट को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले क्या ध्यान रखना है, कहां पर कांस्टेंट मिल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट वन और टू में ये कांस्टेंट है 0.4, 0.4, एक्सपेरिमेंट वन टू में, तो डिटरमिनेशन आप ऑर्डर के लिए कहां जाएंगे, वन टू पर, तो एक्सपेरिमेंट वन टू जब हमारा सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है तब हम एक को कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया 6 × 10^-3 / 1.5 × 10^-3 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0.5 / 0.25 / n, ओके। तो देयर इज द मेथड, ये आया आपका 3 से 3 कैंसिल, पावर से पावर 1.5 × 6, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इक्वल टू कितना,
टू टू द पावर एन, तो कैसे लिख सकता हूं मैं टू टू द पावर टू इक्वल टू 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 द पावर एन, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा टू। तो द रिएक्शन विद द एक्सपेरिमेंट वन एंड टू क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ए बी टू द पावर ए टू द पावर टू, कंसंट्रेट रेट इक्वल टू के ए टू द पावर टू, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर टू, ठीक है। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, कहां पर ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर रहा है, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो बी पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करना पड़ेगा, बी के कंसंट्रेशन बी के रेट को निकालने के लिए, बी के ऑर्डर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 0.4 0.4 बाय 0.8 0.4 बाय 0.8 टू द पावर एन, 0.4 बाय 0.8 टू द पावर एन। तो ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 टू द पावर n, 1 by 2 equal to 1 by 2 to the power n, तो n equal to कितना आ जाएगा this time, n equal to 1, okay, तो a के respect में order कितना आ रहा है 2, b के respect में order कितना आ रहा है 1, total order कितना आ जाएगा 3, अगर total combine करके पूछते हैं तब, और rate को हम कैसे लिख पाएंगे, how to express the rate, k a to the power 2 and b to the power 1, a to the power 2 and b to the power 1, okay, so this is the expression of this reaction, तो ये इसके concentration का determination करना सीखा हमने, ठीक है। अगले एक और question पर बात करते हैं, one more question related with the same data से related एक और question पर बात करेंगे हम लोग। तो अगला question है हमारे पास, NO and Cl2, NO and Cl2, NO and Cl2 reacts to form NOCl, reacts to form NOCl, reacts to form NOCl, NOCl बनाते हैं। initial concentration and rates are given, initial concentration and rates are given, find order of reaction or rate निकालना है आपको, ये दो काम करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट। तो विथ क्लोरीन और विथ एनओ, एनओ के लिए क्या होगा और क्लोरीन के लिए क्या होगा, ये सर्च आउट करना है। अब कंसंट्रेशन देखो कैसा दिया हुआ है, सीएल टू एनओ और ये रेट, सीएल टू एनओ और ये रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 0.05 और 1 into 10 to the power minus 3, experiment 2 में दिया हुआ है, this is 0.15 into 3 into 10 to the power minus 3, और experiment 3rd पे दिया हुआ है 0.15 and 9 into 10 to the power minus 3, 9 into 10 to the power minus 3, ठीक। तो अब देखो Cl2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहां पर NO कांस्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंट 1 2 में NO का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज कांस्टेंट इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, तो Cl2 का कंसंट्रेशन 1 2 से आप निकाल पाओगे, Cl2 का ऑर्डर भी 1 2 से निकाल पाओगे इंडिविजुअली अगर निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 into 10 to the power minus 3 by 3 into 10 to the power minus 3 equal to what?
0.05 by 0.15, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 टू द पावर n, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहां पे सेल 2 के लिए ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया, और अगर रेट चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू k सीएल टू टू द पावर 1, सीएल टू टू द पावर 1 इज द रेट फॉर सीएल टू, है ना, अकेले के लिए इंडिविजुअली निकाल रहा हूं मैं, हा? अब बात करते हैं एनओ के लिए। तो एनओ के लिए सीएल टू का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट कहां पे है, वेयर इज द कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, फर्स्ट और थर्ड पे कॉन्स्टेंट है, इट इज कॉन्स्टेंट इन कंडीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड पर जाना पड़ेगा आपको, यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1 × 10⁻³, थर्ड इज 9 × 10⁻³, 1 × 10⁻³ बाय 9 × 10⁻³, फर्स्ट और थर्ड 0.05 to the power n, हाँ? तो कितना आ जाएगा, ये गया 1/9, तो 1/9 मीन्स 1/3 to the power 2 इक्वल टू 1/3 to the power n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2, 1/3 to the power 2 इक्वल टू 1/3 to the power n, सो हियर n इक्वल टू 2, एंड रेट इज व्हाट, तो रेट इज k n o to the power 2, रेट इज हाउ टू एक्सप्रेस द रेट, k n o to the power 2 इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट। ओके कमांडोस, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, और अब इसके बाद आगे के लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।